हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सागर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी देखेंगे इसको। तो चलते हैं वेबसाइट पर, गूगल ओपन कर लेते हैं, गूगल पर लिख देंगे हम सागर GIS। करने के बाद मेरा ये आएगा, पहला पेज बन के आएगा, इसे पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें अभी ऑफिशियल सागर होम पेज पे जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड में जाना है, सोर्स या डाउनलोड ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो लेटेस्ट वर्जन हमारा है, इससे अगर हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन अगर यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल डाउनलोड होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिप फाइल डाउनलोड होगा, ठीक है। इसको अगर अनजिप करेंगे तो ये फाइल आएगा। इस फाइल को ओपन करके देखते हैं तो हमारा ये इसमें एक्सी फाइल है ही नहीं कि आप रन करा सकते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम बैक करके चलते हैं। मैं सागर एट पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे वर्जन है इसमें भी 8.5 4 ऐसे सारे वर्जन, तो लेटेस्ट वर्जन पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, इसमें से आपको एक्सी फाइल डाउनलोड करना है, 32 बिट का करना है, टार फाइल करना है, जीप फाइल करना है, माइक के लिए भी है अवेलेबल है, विंडो 32 बिट का है, 64 बिट के लिए। तो हमें 64 बिट ही चाहिए क्योंकि हमारे सिस्टम में 64 बिट है, इसलिए हम 64 बिट ही करेंगे। तो यहाँ से हम एक्सी फाइल कर दिया। अब यहाँ से लिखा योर डाउनलोड विल बी स्टार्ट शॉर्टली, तो 2 सेकेंड में इंस्टॉल हो जाएगा ये। इसके बाद स्टार्ट होने के बाद ये हमारे जो है कि स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, तो टाइम लेगा। हालांकि मैं इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, इसको कैंसिल कर दे, रोक देते हैं। ये हमारे फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ये हमारा सेटअप फाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये डाउनलोड करने के बाद ऐसे ही आएगा 8.5.1x64 सेटअप, क्लिक कर देंगे इस पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे आएगा, इस पर मुझे ऐस करना है, अननोन बता रही है, हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपको फोल्डर बनाएगा सी ड्राइव के अंदर। इसका पाथ हम चेंज भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट बन देता हूँ। क्लिक करेंगे, ये लोकेशन बता रहा है यहाँ पे, डेस्टिनेशन हो गया, शॉर्ट मेन्यू फोन पर, ठीक है, ये चीज़ें बन के आ रहा है, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश का ऑप्शन आ गया, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। हम चलते हैं डेस्कटॉप के साइड, डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर बन के आ जाएगा, ये सामने देखिए ये बन के आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वर्जन भी नीचे लिखा हुआ है 8.5.1। अब ये ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है, इसको हम यूज कर सकते हैं। हमें यूज करने तो नहीं आता, लेकिन मैं इंस्टॉलेशन करके दिखा दिया हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।